1 जनवरी 2016 से न्यायालय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक जिला न्यायालय के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसके विरोध में कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ली लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने बताया कि आज के इस महंगाई के दौर में सरकार ने संशोधित वेतनमान और डीए की किश्तें रोक रखी हैं, जिसके विरोध में उनके द्वारा काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिन है 21 तारीख से हमने ब्लैक बैजेस लगाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू किया था, क्योंकि हिमाचल सरकार हमें नया पे स्केल नहीं दे रही है। हमारा डीए भी फ्रीज हो गया है, वो भी हमारे लिए रिलीज नहीं कर रही है। कई दफा हमने ये मांग भी उठाई है, पर आज तक नहीं हमारी सुनी गई। इसलिए हमने एक एजिटेशन का रास्ता बनाया है, एक शांतिपूर्वक हम एजिटेशन कर रहे हैं, और जैसे ही सरकार हमें ये पे स्केल देती है तो हम अपना एजिटेशन बंद कर देंगे। 21 तारीख से हमने ब्लैक बैचेस लगाकर यह एजिटेशन शुरू किया था, और आज हम 26 तारीख को राज्य कार्यकारिणी के आदेश अनुसार हम गेट मीटिंग करके और ये नारे लगाकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं कि हमें जल्द से जल्द ये नया पे कमीशन दिया जाए और कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। हम एक सभ्य डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे उतरें और काम ठप हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए और सरकार हमें नया वेतन लागू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, चंबा।